हैं नया टॉपिक, दैट इज लेंसेस। तो लेंस क्या है? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। हमने देखा है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है तब वो बेंड हो जाती है। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस और अदर प्लेन सर्फेसेस। तो लेंस, ये वर्ड लेंटिल से आया है। लेंटिल्स का मतलब होता है वो एक दाने होते हैं ना अपना, ऐसा कुछ दिखने वाला, ठीक है, जैसे गोलियां होती है ना, जैसी खाने वाली गोली, बंदूक वाली नहीं, दैट इज मेडिसिनल टैबलेट्स, या टैबलेट्स बोल रहा हूं, दिस यस टैबलेट्स, कैप्सूल्स नहीं, टैबलेट्स, यस। तो ऐसी कुछ होती है, कभी आपने देखा होगा था ऐसी, है ना। तो ये थोड़ा सा स्फेरिकल कर्व भी है और एक साइड में प्लेन सर्फेस मिल रहा था, कभी प्लेन सर्फेस या कभी स्फेरिकल सर्फेस से आपको ऐसे कुछ लेंटिल जैसा मिल जाता है, दैट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लेंस। तो आपको लेंसेस कहाँ मिलते हैं? माइक्रोस्कोप्स में मिलते हैं, टेलीस्कोप्स में मिलते हैं, कैमरास में है, प्रोजेक्टर्स में है। आपने देखे होंगे यहां पर हमेशा लेंस यूज आता है, आपके मोबाइल फोन में लेंस है, ठीक है, आपके आंखों में लेंस है। तो हर जगह हमारे लिए लेंस किस चीज के लिए क्या मतलब, कुछ कैप्चर करने के लिए, कुछ रे ऑफ लाइट के साथ इसका कुछ नाता है, ये हमें पता है। तो स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं? हमें पता है कि स्फेरिकल लेंस दो मेजर टाइप है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है इनको, और कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं थोड़ा डिटेल में, हम अगर इसको पढ़े तो हमें ये पता चलेगा कि इनको स्पीयर से काटा जाता है। तो जैसे यहां पर कॉन्वेक्स है आपके पास लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इज कॉल्ड एज बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, या फिर एक साइड प्लेन दूसरा साइड, तो ये क्या बन जाएगा इसका नाम। तो अगर मेरे पास ऐसे लेंसेज है तो मैं इसको आपको आसान तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब एक दो तीन, ठीक। तो अगर दूसरे साइड में है तो ये हो जाएगा डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। एक साइड प्लेन है और दूसरे साइड कॉन्वेक्स है तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा ये कॉन्वेक्स है, और अगर कर्व ऐसा आता है, ठीक है, सो दिस इज कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो टाइप ऑफ लेंसेज ही है, हम बस पढ़ रहे हैं आपके लेवल पे कि बेसिक कितना आना चाहिए। फिर अगर हम कॉनकेव के बारे में जाएंगे, कॉन्वेक्स थे, अगर मैं कॉनकेव लेंस इज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कॉनकेव लेंसेज में आपको मिलेगा कॉनकेव, 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 ठीक है। तो अगर डबल है तो डबल कॉनकेव, है ना। दूसरे साइड का प्लेन है तो क्या मिलेगा, प्लेनो कॉनकेव। और अगर ऐसा शेप मिल रहा है आपको, सो दैट बिकम्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा डबल कॉनकेव, ये बन जाएगा प्लेनो कॉनकेव, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेंसेज जो भी हमको मिले हैं वो कैसे मिले हैं ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे आगे। तो ये कौन से लेंसेज है, ये कॉनकेव लेंस और दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप है, तो आप क्या बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज थिक एट द सेंटर, है ना, एंड थिन एट द एजेस। तो यहां पर थिन है,
और यहां ठीक है ना, समझ में आया। देन कॉनकेव का क्या बोलेंगे, इट इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस, यहां पर थिक है, ठीक है। थिक थिन के डेफिनेशन से आप इसको समझ सकते हैं, या फिर इसको और ऐसा बोला जाता है कि बल्जिंग आउट है मिडल में, है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। और यहां पर क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड इनवर्ड्स इन द मिडल, यहां पे बल्ज आउट इन द मिडल इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड डिप्रेस्ड इन द मिडल इज द कॉनकेव लेंस। समझ में आया क्या, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। सो डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेस, तो स्पेरिकल लेंस में क्या हो रहा है, यहां पर दो स्पीयर्स है, स्पीयर वन उसका सेंटर वन दिया हुआ है, स्पीयर टू उसका सेंटर टू दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसे उसके कर्वेचर को कंबाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट द सेंटर पार्ट मर्जेस आउट, है ना, इसको हम बोलेंगे क्या मिलेगा हमें, कॉन्वेक्स। हमें क्या मिलेगा, इसका ये कर्व और इसका ये कर्व, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ना, इसका सेंटर, ये वाला जो कर्व है इसका सेंटर इधर है, तो ये इस स्पीयर से जाने वाला जो लाइन होगा, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाला जो कर्व है उससे जाने वाला भी लाइन वही होगा इधर, ठीक है। सो वी हैव टू सेंटर्स, वी हैव टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास दो फोकस भी होंगे, है ना। तो किसी एक फोकस को हम प्राइमरी फोकस बोलते हैं, ठीक है, या फर्स्ट प्राइमरी फोकस, या फर्स्ट फोकस बोलते हैं, या फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमने ये कर्वेचर यहां से लिए और इस कर्वेचर, मतलब ये सेम रिफ्रैक्टिंग जो मटेरियल है उससे इसको भर दिया, तो इस कर्वेचर के लिए क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस कर्व के लिए क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। एंड द लाइन पासिंग थ्रू, अब ये दो सेंटर्स को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, ये दो सेंटर्स को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर्स ऑफ द टू स्पीयर्स इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस है, दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली और इस लेंस से गुजरने वाली, इस कर्वेचर से गुजरने वाली जो लाइन होती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया, तो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद यहां पर अगर मैं दो सिमेट्री से डिफरेंशिएट करूं, तो जो इस पूरे लेंस का सेंटर पॉइंट होगा, है ना, दैट सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। उसका और एक डेफिनेशन है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ऑप्टिकल सेंटर, तो इस केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होगा कि मुझे लेंस मिला ऐसे, दोनों सेंटर तक मैंने लाइन जोड़ ली, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर सी वन सी टू, और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो यहां पे इसका ओ है और वहां पे इसका। ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, पर अभी आपको यह समझा है कि अगर कोई कर्वेचर हम लेते हैं, उस कर्वेचर के बीचों बीच सेम रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ये स्पियर है जो सॉलिड है, भरा हुआ है, ठीक है, ये स्पियर है जैसे कांच है, दोनों ये भी है, ठीक है, इसके कर्वेचर हमने लिया और उसको सेम मटेरियल से ये फिल कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा पोर्शन मिलेगा, दैट इज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये है ना ऑप्टिकल सेंटर है,
तो जब भी आपको ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है तो आप क्या करेंगे, है ना, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस और ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। तो लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ अ स्पीयर फ्रॉम विच दिस लेंस इज एक्सट्रैक्टेड, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इक्वल है ना। वो जिस पॉइंट पे सिमेट्री होना चाहिए ना किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर वो ज्योमेट्रिक सेंटर है जहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक, मतलब यहां से मेजर करेंगे इसका ये लेंथ आएगा और यहां से मेजर करेंगे इसका ये वाला लेंथ आएगा। हमारे सिमेट्री के लिए हमने किया ये, क्यों, क्योंकि फिर यहां से मेजर करते हैं इस और फिर यहां से मेजर करते हैं, शायद कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, तो हम फोकल लेंथ जो भी मेजरमेंट करेंगे इसके बाद तो वो सारे की सारी ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, क्योंकि हमें सिमेट्री चाहिए, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो वॉट एवर डिस्टेंस है ना इज मेजर्ड इन लेंसेस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो एक ज्योमेट्रिक सेंटर है, क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि इस ऑप्टिकल सेंटर का काम क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है ना। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर पॉइंट हमने लिया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं सिमेट्री से इसको ज्योमेट्रिकली मिडल रेंज बनाऊं तो हम क्या बोलेंगे, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। ठीक है, तो रे विच इज पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर है ना, अपियर्स, मतलब इट पासिस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, इट पासिस विदाउट बेंडिंग बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। देखो इसमें बहुत ही, मतलब हायर लेवल पे आप कुछ अलग सीखोगे, कुछ अलग चीज सीखोगे, लेकिन अभी मैं आपका कंसेप्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा मान के ही चलना है, इससे आपका लाइफ का जर्नी आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलो।